खंडवा संसदीय सीट से पूर्व सांसद एवं पूर्व बीसीसी चीफ अरुण यादव पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। जहां एक ओर वे लगातार खंडवा और पूरे लोकसभा क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाने भी साध रहे हैं। गुरुवार को खंडवा दौरे पर पहुंचे अरुण यादव श्री दादाजी दरबार मंदिर दर्शन करने पहुंचे, इसी के साथ खंडवा में कई लोगों से मिलने भी पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया परिवार वो परिवार है, जब हमारे लोग देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तब सिंधिया का परिवार अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगा हुआ था। स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई खंडवा संसदीय सीट पर अरुण यादव की निगाहें हैं। इसके पूर्व भी वे खंडवा से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली थी। वहीं 2 बार नंदकुमार सिंह चौहान से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस उपचुनाव में कांग्रेस के सबसे प्रबल प्रत्याशी के रूप में अरुण यादव का नाम ही सामने आ रहा है और वे लगातार इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि अगर पार्टी मौका देगी तो वे खंडवा से जरूर चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव के खंडवा दौरे के दौरान उनके कई समर्थक बड़ी संख्या में उनके साथ मौजूद रहे। उनका डीएनए तो देश जानता है, आपको नहीं पता है? उनका डीएनए जो गद्दारी के लिए विख्यात है, जिन लोगों ने, मैंने तो हर बार कहा कि जब आज़ादी हो रही थी हमारे पुरखे लड़ रहे थे और सिंधिया परिवार अंग्रेजों के जूते उठा रहे थे, उनकी सेवा चाकरी में लगे थे, उनका डीएनए तो पूरा देश जानता है। कैसा डीएनए उनका है, किस तरह गद्दारी का डीएनए उनका है, सबको पता है। नाम बदलने को लेकर भी आपने पूछ छोड़ दिया। बिल्कुल, ग्वालियर का नाम लक्ष्मी नगर होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी की मांग करती है और हम सबकी मांग को शासन को सुनना चाहिए। वैक्सीनेशन के जो आंकड़े आ रहे हैं, सेटिस्फाई है आपकी, सही है या गड़बड़ी है? वैक्सीनेशन की स्पीड स्लो है, केवल एक दिन में 16 लाख वैक्सीनेशन लगाने से काम चलने वाला नहीं है। ये रेगुलर टाइम बाउंड प्रोग्राम सरकार को बनाना चाहिए, जिससे समय सीमा के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के देश के नागरिकों को वैक्सीन लगे। भैया, आज केंद्र सरकार जो है कश्मीर में बड़ी बैठक कर रही है, संसदीय बैठक के नाम दिया जा रहा है इसको, क्या कुछ लगता है, क्या कश्मीर को वापस से जो जिस तरह से बात की जाती है 1370 तक की? देखिए, मुझे इसके डिटेल जानकारी नहीं, मैं दौरे पे हूँ। आज भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक है कार्य समिति को लेकर, माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी लोकसभा का रणनीति बना रहे हैं। देखिए, वो उनका, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस में किस तरह की तैयारियां चल रही है लोकसभा चुनाव? अब हम लोगों ने केवल लोकसभा नहीं, 3 विधानसभा के चुनाव भी ड्यू हैं, वहाँ को लेकर माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशन दिया है कि वहाँ की कमेटीज, बूथ कमेटीज, मंडलम सेक्टर्स, इसकी तैयारी करें, उसकी पूरा रूपरेखा बनाएं। प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं हमारे यहाँ, प्रभारी हैं खंडवा के, खंडवा वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। भैया आप